हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आप लोगों के सवालों का मैं जवाब दे पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोग हमेशा मुझे कमेंट में लिखते हैं कि हमने आपकी वीडियो को देखा मगर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, जबकि आप जो सवाल कर रहे होते हैं उसका आंसर मैंने उसी वीडियो में दिया होता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग या तो वीडियो को स्किप करते हैं या फिर आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं। सो कुछ सवाल हैं आप लोगों के, उनको मैं आज फिर से मेंशन करते हुए रिप्लाई कर रही हूँ। और मैं जो भी कुछ बताती हूँ वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरी कोई चीज़ किसी चीज़ से क्योर हुई है, कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए हैं, फिर मैंने घर में ही उस ट्रीटमेंट को अदर लोगों को रेफ़र किया। घर में सबके घर में इस तरह की चीज़ें अक्सर लगी रहती हैं और उन लोगों को भी जब बेनिफिट पहुंचा है तब मैंने अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। लेकिन अगर आपके कुछ सवाल आ रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनका रिप्लाई करूँ। सो आज के वीडियो में मैं उन सभी चीज़ों को मेंशन करने जा रही हूँ। प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आप लोगों का सवाल कि टाइफाइड यानी कि हड्डियों का बुखार, मोती झरा जड़ से ख़त्म होता है या नहीं? आप जो भी कुछ बता रही हैं, क्या इससे ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए? जिन लोगों को ये बार बार रिपीट करता है 6 मंथ में, 3 मंथ में या ईयरली, उन लोगों को सबसे ज़्यादा बोझिल लगता है अपना जीवन, क्योंकि ये पूरी तरह से हमें कमज़ोर कर देता है। सो उन सभी लोगों के सबसे पहले क्वेश्चन में यही लिखा होता है कि मैडम क्या ये पूरी तरह से ठीक हो गया, आपका पूरी तरह से हो गया, आपको दोबारा रिपीट नहीं हो रहा? और हम अगर ये रेमेडी करेंगे तो क्या हमारा भी ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, दोबारा रिपीट नहीं होगा? तो उन लोगों को मैं बता दूं कि हाँ, मेरा ये टाइफाइड जो है वो क्योर हुआ है, लेकिन जब जब मौसम चेंज होता है मुझे हल्की हल्की हरारत लगने लगती है, फिर वही सारे सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं, बॉडी में थकान लगने लगती है, हल्के हल्का पेन होने लग जाता है, क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं, इनफैक्ट मेरी तो हड्डियों में ऐसा लगता है कि हड्डियाँ फट रही हैं, इतना दर्द होता है। लेकिन फिर से मैं दोबारा इस रेमेडी को 7 दिन रिपीट कर लेती हूँ, ना मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, ना मुझे कोई ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही मुझे कोई अदर मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। जब भी मौसम चेंज होता है हमारी बॉडी में, हमारे जो पुराने घाव होते हैं, पुराने जो जख्म होते हैं या कोई पुरानी बीमारी होती है वो वापस से उभरती है, एक बार फिर से उसमें कुछ ना कुछ हरकत होती है। अगर उसी टाइम आप थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि हाँ मैं 101% क्योर हो गई हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे दोबारा ये रिपीट नहीं हुआ है, मैं दोबारा डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं पहले ही आंसर कर दूं कि देखिए, टाइफाइड जो है वो पूरी तरह से क्योर नहीं होता है। इसके बैक्टीरिया हमारी बॉडी में रहते ही रहते हैं, ये पूरी तरह से कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। ज़रा सा इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, ये फिर से वापस से पनपने लग जाते हैं। इसलिए अपनी हर वीडियो में मैंने आपको सबसे ज़्यादा बोला है परहेज करने के लिए, क्योंकि हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो इतने वीक हो जाते हैं, उनको संभलने के लिए हमें वक्त देना चाहिए, हमें टाइम देना चाहिए। हम डॉक्टरी मेडिसिन खाते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का कोर्स करते हैं और समझते हैं कि अब सब फिट फाट है, जबकि ऐसा नहीं होता है। बैक्टीरिया तब जाते हैं बॉडी में, लेकिन ज़रा सा भी उनको सपोर्ट मिलता है तो वापस से फिर से वो पनपने लग जाते हैं। और जब तक वो हमें पता चलता है कि दोबारा से हमें टाइफाइड रिपीट हो रहा है, हम पूरी तरह से बेड पे पड़ जाते हैं, हम पूरी तरह से कमज़ोर हो जाते हैं। क्योंकि एक ही बीमारी जब आपको लगता है बार बार बुखार बना हुआ है, बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो मेंटली भी हम टूटते हैं और बॉडी तो जाती है तो जाती है। इसीलिए ये होम रेमेडी आपको आपके डॉक्टर की दवाओं के साथ करना है। आपके डॉक्टर की दवाएं अगर बंद हो जाती हैं तो आपको परहेज लगातार करते रहना है, कम से कम 3 to 6 मंथ आपको परहेज करना ही करना है। खान पान का परहेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि हम अचानक से बिस्तर से उठ के वापस से अगर इसे मशीन की तरह लगाएंगे काम में तो ये दोबारा टूटने लग जाएगी। सो आपको रेस्ट भी प्रॉपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट जो सब मैक्सिमम पूछते ही पूछते हैं कि मैडम खूब कला मुनक्का बहुत गर्म होते हैं, हम अगर इनको लेंगे तो कहीं हमारे पेट में दर्द तो नहीं होगा, जलन तो नहीं होगी, गर्म तो नहीं करेगा? तो मैं आप सबको बता दूं कि आप जितनी भी मेडिसिन लेते हैं
वो सब गर्म तासीर की होती हैं, सब की सब मेडिसिन जो है गर्म तासीर की होती हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि खूबकला और ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो गर्म होते हैं, इस वजह से आप इसे लेने से डर रहे हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। और खूबकला हर तरह के बुखार की अक्सर दवा है। अगर आपको टाइफाइड के अलावा और भी कोई बॉडी में प्रॉब्लम हो, किसी तरह की हरारत रहती हो और आपको लगता है कि बुखार बुखार बुखार, तो आप इसे ले के देखिए, आपको ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, इतना नुकसान नहीं करता है। साथ में जब ये सारी गर्म चीज़ें हम लोग लेते हैं तो हमें पानी का इंटेक सबसे ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि पानी जो है हमारी जितनी भी इम्प्योरिटी है उसको बाहर निकालता है, क्योर करता है वो हमें। तो बॉयल वाटर आप मैक्सिमम पीजिए, जितना आप पानी का इंटेक लेते हैं, प्यास लगी हो ना लगी हो, पर आपको पीना है, मतलब पीना है, और उबला पानी ही पीना है। आपको किसी भी तरह का फीवर हो आप उबला पानी पीजिए, क्योंकि आपके बॉडी ऑर्गन्स का हर तरह से ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगला सवाल आता है कि हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि इसे कैसे लेना है, साथ में चटनी बना के लेना है कि कैसे लेना है। तो आज की वीडियो में मैं फिर से बता दे रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि मेरे पास भी हर समय ये अवेलेबल नहीं होता है। ड्राई फ्रूट्स हैं, जब हमें इनका इस्तेमाल नहीं करना होता हम इसे रख देते हैं और इनमें घुन या कीड़े लग जाते हैं, तो मैं हर समय इसको मंगा के नहीं रखती हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है तभी मैं इनको मंगाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग फिर से एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए। टाइफाइड की मेन रेमेडी है मुनक्का और खूबकला। आपको 6 से 8 मुनक्के लेने हैं, इनके बीज निकालने हैं और खूबकला के साथ ऐसे डिप करते हुए इनको चबा चबा के खा लेना है। कई लोग पूछते हैं इसकी चटनी बनाना है, इसी में अंजीर भी मिक्स करना है, तो नहीं, अंजीर मैंने पानी में भिगोकर अलग से यूज़ किया था, 2 अंजीर एवरीडे, लेकिन खूबकला और मुनक्का सुबह शाम दोनों टाइम खाना है इसी तरह से। एक और मोस्ट वांटेड पूछा जाने वाला सवाल है कि खूबकला कहाँ मिलता है। शायद मैंने फर्स्ट वीडियो से लेके आज तक की वीडियो में मैंने बताया है कि खूबकला पंसारी के शॉप पे मिलता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि पंसारी क्या होता है, तो जहाँ पे जड़ी बूटी मिलती है वहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। आजकल ये नॉर्मल जहाँ पे किराने की दुकानें होती हैं वहाँ भी मिल जाता है इजीली, और वहाँ भी अगर आपको नहीं मिलता है आपके शहर में आपके सिटी में, तो आप इसे ऑनलाइन ट्राई कर लीजिए, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। कैसा होता है फिर से मैं एक बार पास से आपको दिखा दे रही हूँ। बिल्कुल राई से भी बारीक दाने होते हैं, राई जैसा नहीं होता, राई से भी बारीक दाने होते हैं। और ऑनलाइन मैक्सिमम लोग कंफ्यूज करते हैं कि इसको मस्टर्ड बोलते हैं, मस्टर्ड सीड, नहीं, मस्टर्ड सीड अलग होता है, ये एकदम अलग होता है। तो आपको एक बार फिर से क्लोजअप करके दिखा दे रही हूँ, ये आप ज़रूर से देख लीजिए। जितना क्लोज़अप हो सकता है दोस्तों मैं उतना क्लोज करके आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखने में दूर से राई जैसा ज़रूर दिख रहा है, बट ये राई के दाने जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बारीक, उससे भी ज़्यादा छोटा है, और इसका शेप राउंड नहीं है। राई राउंड होती है, आप चाहे बड़ी राई देख लीजिए, छोटी देख लीजिए, इवन बनारसी सरसों जो होती है वो भी राउंड होती है, थोड़ी सी ब्लैक, थोड़ी सी ब्राउन इस तरह की होती है, लेकिन इसका एक कलर निश्चित है कि ये इसी ब्राउन कलर में आपको मिलेगा। और ये बहुत ज़्यादा बारीक है, मैं थोड़ा सा उठा के भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप अच्छे से देखिए, ये देखिए कितना बारीक है, जैसे रेत होती है वैसा ही इसका कण है, और शेप भी अलग है, इसका शेप राउंड नहीं है, ओवल सा शेप है इसका, और बहुत ज़्यादा बारीक है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप कंफ्यूज़ मत होइएगा, अगर आपको ये शॉप पे नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, और अच्छी तरह से देख के ही आप ऑर्डर कीजिएगा। इसके बाद जब आपके हाथ में डिलीवरी आ जाती है तब भी आप इसे देखकर ही यूज़ कीजिएगा। आप कहीं पे चाहें तो स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लीजिए, जो भी आपको जैसे पॉसिबल हो, बट खूबकला ही आपको खाना है, यही एक मेन रेमेडी है मुनक्का के साथ खूबकला टाइफाइड के लिए, या किसी भी तरह का जो फीवर हमें बार बार होता है उसके लिए ये रामबाण औषधि है दोस्तों। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मेरी तरफ से आप सभी को, कि आप लोग इतना घबरा जाते हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स मेरे पास आते हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में लोग रहते हैं कि वो क्या लिख रहे हैं उनको खुद नहीं पता चलता है, और जब वो मेरे साथ बातों को शेयर करते हैं तो थोड़ी सी डिप्रेशन में मैं भी चली जाती हूँ कि यार इनकी कितनी बुरी स्थिति है। सो जिस स्थिति से आप गुजर रहे हैं उसी स्थिति से मैं गुजर चुकी हूँ। जैसे आप इतने इतने साल पजल्ड होकर डॉक्टर से निराश हो चुके हैं, मैं भी निराश हो गई थी, लेकिन इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है,
इसमें हमारी बॉडी की गलती है क्योंकि बैक्टीरिया हमारी बॉडी से जा ही नहीं रहे हैं। अगर आपको पूरा फुल कंफर्म करना है कि आपका टाइफाइड पूरी तरह से क्योर हुआ है कि नहीं, तो आप एक बार स्टूल टेस्ट ज़रूर कराइएगा। आपका लीवर, आपकी आंतें सभी ठीक हैं, सभी परफेक्ट वर्क कर रहे हैं। रिपोर्ट सब अच्छे आने के बाद भी आप लोगों को एक डेढ़ मंथ पूरा परहेज रखना है। तला भुना तेल मसाला खटाई ये सब कुछ नहीं खाना है। और जो लोग मुझसे कहते हैं कि ये रेमेडी करने के बाद हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, गले में जलन हो रही है, उनको मैं बता दूं कि किसी भी तरह की दवाई आप खाएंगे उससे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती ही है। इसलिए जब भी बुखार की मेडिसिन दी जाती है, कोई भी इस तरह की हरारत वाली मेडिसिन दी जाती है, तो उसके साथ एक ऐसी लॉक या कुछ ऐसी दवा आती है गैस की, वो ज़रूर से एक टिकिया दी जाती है ताकि उस प्रॉब्लम से आपको निजात मिल सके, क्योंकि उन दवाओं की तासीर होती है गैस करना। सो इससे घबराना नहीं है। घबरा के आप लोग मैसेज कर देते हैं कि मेरा मैसेज इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ देखिए, प्लीज़ रिप्लाई करिए, वो पॉसिबल नहीं होता है। आप खुद समझदारी से काम लीजिए कि कोई भी मेडिसिन आप लेंगे, फीवर की मेडिसिन हो या कोई भी, उससे गैस बनती ही बनती है हमारे शरीर में। तो उसके लिए एसी लॉक या कोई भी इस तरह का बी कॉम्प्लेक्स वाला सिरप आप ज़रूर से पी लीजिए। और मैंने आज की वीडियो में काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए मेंशन कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फिर भी अगर कुछ होता है तो आप इंस्टाग्राम पर आइए, आपका स्वागत है, मैं वहाँ आपसे बात करूँगी। नॉइज़ पोल्यूशन के लिए सॉरी दोस्तों, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अपने वीडियो को मैं यहीं पर समेट ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, आपके यूज़फुल लगी हो, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।